मैं तुमने सारा ने उम्मीद करूं थारा कौन बा कती दाऊं राजी होगा हमारा भी कती दाऊं टनाटन है। सर्दी का आगमन हो गया है भाई, तुम है ना थोड़ा सा ख्याल रखियो। ई मैं थोड़ा सा काम कुम निमटा कर और मैं आ गई हूँ रसोई में। रसोई में क्या बनाऊंगी वो थारे तो दिखाऊंगी। बहुत एंडी सब्जी बनी थी, तुम यह सब्जी जरूर बना कर देखियो। अरे ना कोई कोई नू का गाक घिया में भी आलू गेर कर बना कर, पर भाई बना कर देखियो, घना 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 स्वाद आ जाओगा। और बिना टमाटर के बनाऊंगी मैं इसने, और कुकर बनाऊंगी वो सारा प्रोसेस थारे ताई लेकर आई हूँ। और तुम ध्यान तो देखियो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो और लाइक भी ठोक दियो एक, और कमेंट में बताइयो तुमने सब्जी किसी लागी और बनाई हुई बनाई है और तय जरूर बताइयो। तो चलिए अभी बताती हूँ घिया और आलू की बहुत ही बढ़िया वाली सब्जी। और ये जो घिया है ये खेत में से लाई हुई घिया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। इसका हलवा ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और बेबी पोटैटो इसमें डाल लिए हैं, ऐसे कैसे साबुत डाल दूंगी। अभी यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घयो पाया है, और घी डालने के बाद इसमें डाल दिया है जीरा और 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डाल दी है। अब क्रैकल होने के बाद गैस को कर दिया है बंद। और अब दही में मैंने जो बेसिक से मसाले होते हैं ना, लाइक लाल मिर्च, देगी वाली मिर्च है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गर्म मसाला है, हल्दी है, वो सब मैंने ऐड कर दिए हैं। और दही को अच्छा सा फेंट लिया है। और जब दही कुकर में डालो या कढ़ाई में डालो तो गैस बिल्कुल बंद कर देना है, और नहीं तो दही फट जाएगा और फिर कहोगे दीदी आपने बताया नहीं। तो इस सब्जी को जरूर ट्राई करके देखना, मस्त वाली ये सब्जी बनती है। टमाटर महंगे हो गए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है टमाटर डालने की, नींबू नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं नींबू भी डालने की। दही है आपके पास थोड़ा सा खट्टा तो आप वो ले सकते हो, ताज़ा दही है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हो, बस इतना सा ही फंडा है। अब इस कटोरी में जितने दही और मसाले लगे हुए थे उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके और मिक्स करके और मैंने कुकर में डाल दिए। अब गैस को ऑन कर दिया है, और ऑन कर दिया है तो अब इस मसाले को ना सिम आंच पे ही पकाएंगे, तेज आंच पे इसको नहीं पकाना है। और अब ऐड कर देंगे नमक, और जितने स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हो। और अब जैसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि यह सब्जी ना इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनी थी। अब मसाला पकने के बाद इसमें डाल देनी है सब्जी, जो हमने आलू डाले हैं और ये घिया डाली है। आप है ना कभी ट्राई करके देखना ये आलू डाल के घिया की सब्जी, माशाल्लाह मस्त मज़ा आ जाएगा। और मस्त मज़ा नहीं आए तो मुझे बोलना कमेंट में कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन तरीका यही होना चाहिए बनाने का। अब फुल फ्लेम करके और सब्जी को ना मसाले के साथ भून लेंगे, और जब घी है वो सब्जी से अलग होने लगे तब इसको कुकर के लिड को लगा के और फिर सिम आंच पे छोड़ देंगे, और 2 व्हिसल आने तक इसको पकाएंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। चलिए आगे की रेसिपी मैं बताती हूँ। आज मैं दोबारा से है ना घिया का हलवा बना रही हूँ। तो कढ़ाई मैंने डाल दिया है देसी घी, और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें भर के घी डाला है। गाय के घी से मैं इसको बनाऊंगी, और घिया भी हेल्दी है और घी भी हेल्दी है, तो मस्त हेल्दी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। अभी यहाँ पर जो घिया थी वो अच्छे से धो के छील के कद्दूकस कर ली है, मोटे वाले कद्दूकस में से मैंने कद्दूकस की है, और बाकी पीसनी नहीं है, आपने कद्दूकस करनी है मोटे वाले कद्दूकस में से कद्दूकस करनी है। चलिए अब कढ़ाई में मैंने डाल दी है सारी घिया, अब इसको फुल फ्लेम करके और इसको बेसिकली घी के साथ भूनना है। बहुत टेस्टी बनती है ये रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है, और फुल फ्लेम में इसको भून लेना है जब तक जो घिया का जो पानी होता है ना वो बिल्कुल सूख ना जाए, और एक भूनने की ना सोंधी सोंधी सी खुशबू आनी ना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी है। ठीक है, तो अब इसको मैं भून लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। चलिए अब सब्जी बन गई, देखो कितना मस्त वाला कलर आया ना, कितनी मस्त वाली लग रही है ना, लग रही है ना बड़ी मस्त, और मुँह में पानी आ गया होगा। तो अब मैं वीडियो से खिला तो नहीं सकती, आप बनाओगे तभी आप इसको खाओगे, और बहुत ही मस्त वाली ये सब्जी बनी है। तो आप ये सब्जी ज़रूर से ट्राई करके देखना। और देखो घिया तो वैसे ही मैं खेत से लेके आई थी, उसका तो टेस्ट अलग होता ही होता है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम बन जाएगा टेस्ट, लेकिन बनेगी बहुत टेस्टी। आप ये ट्राई करके देखना और मेरे तरीके से बना के देखना सब्जी। और चलिए अब संभालते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं, और अब घिया को देखते हैं।
और इसको भी जैसे है ना, घिया को ना साइड में थोड़ा सा हटा के देख लेना है कि अभी इसमें थोड़ा सा घिया का पानी रहा नहीं रहा, लेकिन ये घिया का पानी बिल्कुल उड़ा देना है, तभी घिया भुनेगी। तो सब्जी को कर देते हैं एक साइड में और कंसंट्रेट करते हैं हलवे पे, घिया के हलवे पे। इसकी आप बर्फी बना सकते हो और इसकी आप हलवा भी बना सकते हो। तो अब ये देखो, अब इसमें पानी बिल्कुल सूख गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और खुशबू भी सोंधी सोंधी आ रही है। चलिए अब ये तो साथ साथ में भूनती रहूँगी। अब इसमें डाल देते हैं दूध, और दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है दूध गर्म करना। तो अब ये जो दूध है, ये जो घिया थी ये 2.5 किलो थी, और इसके छिलके उतरने के बाद, मतलब मान लो कि भाई पाव छिलके उतर गए होंगे, तो ये लगा लो 2.25 किलो ये घिया थी, और दूध मैंने 2 किलो लिया है। तो अब इसमें ना दूध डालते ही हमने डाल देनी है मीठा। आप ये मेरे पास ऑर्गेनिक खांड है, आप चीनी का यूज़ बिल्कुल भी मत करना। आप यहाँ पे शक्कर का भी, यानी जो गुड़ का पाउडर होता है ना, या गुड़ होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हो, उससे बहुत टेस्टी बनता है ये। तो मेरे पास ये ऑर्गेनिक खांड है, मैं इसका यूज़ करूँगी। तो आप गुड़ भी डाल सकते हो, गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हो, और इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है तो भाई कोई ऑप्शन है नहीं, फिर तो चीनी ही ऑप्शन है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी आप चीनी बिल्कुल भी ना खाएं। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी अपने लिए कॉफ़ी, और तलन साहब के लिए बनाऊँगी मैं चाय। और कॉफ़ी मैं विदाउट शुगर लेती हूँ, जो लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता है मैं क्या डाइट लेती हूँ। चलिए अब ये दूध गर्म हो जाएगा, साथ साथ मैं कॉफ़ी बना लूँगी और उसके बाद मैं चाय बना लूँगी, और साथ साथ जो हलवा है वो भी बनता रहेगा। बीच बीच में ऐसे मैं उसको ना हिलाती रहती हूँ। तो ऐसे ना एक बार में ना दो काम मैं इजीली कर लेती हूँ, तीनों गैस चला के भी मैं इजीली कर लेती हूँ। तो मल्टी टैलेंटेड तो होना चाहिए ना भाई, तो गृहिणी को तो खास कर होना चाहिए, और जो जॉब वाले बंदे हैं उसको स्पेशल होना चाहिए। जॉब भी संभाल लो, घर भी संभाल लो, बच्चे भी संभाल लो, पति भी संभाल लो, रिश्तेदारी सब संभाल लो, तो जॉब वालों का तो बिल्कुल ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो हलवा भी हो रहा है और फुल फ्लेम पे ये हलवा बनने लग रहा है। तो जैसे घर का ना तकरीबन काम निपटाने के बाद मैं एक कप कॉफ़ी ज़रूर लेती हूँ, या तो ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ या दूध वाली कॉफ़ी लेती हूँ विदाउट शुगर। तो यहाँ पे मैंने बना ली है कॉफ़ी, और साथ साथ किचन को भी इसमें समेट दूँगी ताकि बाद में ना बहुत सारी ना फैले, तो इसलिए मैं साथ साथ किचन को भी समेट देती हूँ। और ऐसे ना बाद में ना इरिटेशन सी नहीं होती है, जब काम फैला हुआ होता है तो थोड़ा इरिटेशन हो जाती है, तो इसलिए एक काम के ऊपर खड़े हो तो इससे अच्छा है कि दो तीन जो किचन के काम पास में ही तो होते ही हैं तो वो अपने साथ साथ निपटा लो। तो यहाँ पर चाय बन रही है, और मैं जैसे कॉफ़ी लेती हूँ ना तो मैं पूछ लेती हूँ तैलन साहब से चाय लेंगे, तो कहते हैं कि थोड़ी सी दे देना, तो इसलिए चाय उनके लिए भी बना दी है और अपने लिए मैंने कॉफ़ी बना ली है। तो अब चाय पी के और फिर आगे का जो एक दो काम रहते हैं वो प्रोसेस शुरू करूँगी। तो ये बन गई है चाय, मस्त वाली चाय बन के रेडी हुई है। तो अब चलते हैं अपने कढ़ाई पे, और ये देखो ये बन रहा है, और फुल फ्लेम पे बनाओगे ना, जैसे मैं कॉफ़ी पीऊँगी ना तब तक तो मैं थोड़ी सी मंदी आँच पे रखूँगी इसको, और बाकी फुल फ्लेम पे रखूँगी। अब ये चाय वाली पतीली में पानी डाल के रख दूँगी, और जो बाकी पतीली में दूध बचा हुआ है ना उसको थोड़ी देर के बाद और डाल दूँगी। अभी यहाँ पर ये जो तड़का पैन है इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है 1 छोटी चम्मच, और इसमें डाल दिए हैं काजू और बादाम। बादाम थोड़े से मोटे मोटे चॉप कर लिए हैं, और काजू है वो उसके मैं टुकड़े लेके आती हूँ, क्योंकि बेसिकली हमने काट के डालने होते हैं तो टुकड़े थोड़े सस्ते आ जाते हैं, साबुत वाले जो काजू होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो काट के डालने तो अपना टुकड़े ही ना ले लें। तो अब यहाँ पे ना आप फूड कलर का ऐड कर सकते हो, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, तो मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। और बेसिकली मेरे यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है तो घिया का जो हलवा है ना वो बेसिकली कई लोग तो वैसे ही ना पसंद करते हैं, और वो अगर फूड कलर ऐड ना करो ना तो कलर इसका थोड़ा सा वैसा रहता है, और फूड कलर ऐड करने के बाद ग्रीन ग्रीन सा बड़ा मस्त कलर हो जाता है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। बाकी इसमें अब अच्छे से इसको, ये देखो साइड में ना ड्राई फ्रूट भी अपने शैलो फ्राई हो रहे हैं, और सिम आँच पे इनको भूनना है, तेज़ आँच पे इनको नहीं भूनना है, ठीक है।
नहीं तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट भी आप डाल सकते हो, लेकिन ना घी में अगर शैलो फ्राई करके डालोगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें ना मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। अच्छा, मिल्क पाउडर की जगह आप आपके पास खोया है तो आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, तो खोया मेरे पास नहीं है। तो मिल्क पाउडर से ना बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें खोया नहीं डाल रखा, तो आप खोया डाल के बना सकते हो। कई बार जैसे दूध एक्स्ट्रा होता है तो मैं खोया निकाल कर रख लेती हूँ, तो वो भी ऐड कर देती हूँ और कई बार मिल्क पाउडर भी ऐड कर देती हूँ। तो इसमें जो है 2 बड़े चम्मच खोया ऐड करूँगी और यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी जो है शैलो फ्राई हो गए हैं। और एक हाथ में तो मेरा मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ। तो मैं ये सोच रही थी थोड़ा सा ही काम है, ट्राई पॉड पे ना लगाऊं, क्योंकि मैं फ़ोन में कुछ और काम कर रही थी। तो एक हाथ में जो है फ़ोन है, दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ, हूँ ना मैं मल्टी टैलेंटेड। तो अब अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेना है और फिर इसमें ड्राई फ्रूट जो है ऐड कर दूँगी। अब ये देखो, यहाँ पर आप इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, आप केसर का भी यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। और अब इसको फुल फ्लेम करके अच्छे से भून लेना है, और तो फुल फ्लेम में इसको अब भून लेना है। और इसके ना मतलब आप थोड़ा टाइट भी बना सकते हो इसको, थोड़ा सा लिक्विड भी बना सकते हो। बाकी बर्फ़ी बनानी है तो बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। तो चलिए अब ये पकता रहेगा और बात करते करते देखो ये मस्त वाला हेल्दी सा बहुत ही बढ़िया हलवा बन के रेडी हो गया है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो अभी मैं लगाई हूँ पैक, और आज मैंने पैक में क्या लिया है, थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी ली है और थोड़ा सा बेसन लिया है और थोड़ा सा मैदा लिया है उसमें, और उसमें खट्टा दही डाल के और 2 बूंद नींबू की डाल दी है। तो वो मिक्स करके और वो फेस पे लगाया है। तो ये मेरा पैक सूख जाएगा ना, मैं तब इसको उतारूँगी। और बाकी मैं वीडियो बनाती लेकिन वो जो छोटे छोटे मच्छर आए हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो बाहर की लाइट बंद कर रखी है तो इसलिए नहीं बना पाई। तो वैसे ही मैं वर्बली बता देती हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके और फिर मैंने फेस साफ़ करके दही से ही साफ़ किया और फिर मैंने अप्लाई किया है। अब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना 15 मिनट के बाद, ये ड्राई हो जाएगा 10 से 15 मिनट के बीच में, क्योंकि पंखा चला तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। और फिर गीला करके हल्की सी मसाज करके और देन रिमूव सिंपल टैप वाटर से, और उसके बाद मैं कोकोनट ऑयल लगा के और फिर सो जाऊंगी। तो ये है, और बाकी संध्या भी होगी है, तलन साहब के लिए खाना बना के दे दिया, वो खा रहे हैं। बस वो बर्तन है वो साफ़ करके और फिर दूध गर्म करके पी के और 2 वीडियो की एडिटिंग करके और फिर मैं सो जाऊंगी। तो ये मेरा शाम का हो गया है काम कंप्लीट, तो थोड़ा सा है वो और भी कर लूँगी। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए दिन में एक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है और हेल्दी सा कुछ बनाना है, जो कि मैंने भी आज बहुत हेल्दी बनाया है, यानी जो घिया की सब्जी वो भी हेल्दी थी और घिया का जो हलवा है ना बहुत टेस्टी बना है वो भी हेल्दी है। तो अभी कुछ ऐसा ही हेल्दी सा बनाना, क्योंकि अभी ना गुड्डी आएगी और गुड्डी की एक सहेली आएगी तो वो यहीं रुकेंगे 1 हफ्ता के लिए। तो घिया भी एक्स्ट्रा रखी थी तो बना के रख दिया, आज घिया का हलवा बना के रख दिया है और कल थोड़ा सा गूंद के लड्डू बना के रख देंगी, वो जब तक 1 हफ्ता रहेंगी वो खा लेंगी। और कुछ और 1-2 मिठाई और बना के रख देंगी, कुछ नमकीन बना के रखूँगी, तो दोनों लड़कियाँ खा लेंगी 1 हफ्ता रुकेंगी वो। तो अभी 2-3 दिन में आएंगी वो, और दिवाली पे तो वैसे भी ये चीज़ें बनती रहती हैं। तो चलिए फिर, बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो, पेड़ ज़रूर से लगाओ और अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना। चिल्ड्रेन टेक केयर, बाय।